का जस्ट अभी पता चला, इसको पतंग नहीं उड़ाने आती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई आज है 26 जनवरी, यानी रिपब्लिक डे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच एंड एवरीवन। और रिपब्लिक डे के साथ साथ बसंत पंचमी भी है, जिसकी वजह से मेरी कॉलेज की एक छुट्टी मारी गई। हम स्टूडेंट्स को यही होता है भाई, छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ। और एक ही दिन पर जब दो फेस्टिवल आते ना, तो हमारी एक छुट्टी मारी जाती है, जिसकी वजह से दिल से बुरा लगता है यार, दिल से। तो भाई आ जाए बसंत पंचमी। हमारे यहाँ पे तो मौसम देखो तुम, पूरा ऐसे ना ठंड ठंड सा हो रहा है, ऐसे फोक फोक सी हो रही है थोड़ी, मतलब धूप तो निकली नहीं है। तो आज बसंत पंचमी जैसे तो पतंग उड़ाते हैं। आज मेरी एरिया में ना यहाँ पे आसपास बहुत कम पतंगे उड़ते, पता नहीं क्यों। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से मृदुल के घर के पास, मृदुल खन्ना जो मेरे साथ कॉलेज में है, नहीं याद है तो याद कर लो, उसके घर के पास जा रहा हूँ। क्योंकि वो बताता है कि मुझे भी आई एम नॉट श्योर कि उसने मुझे कहा है, उसने मुझे कहा है कि मेरे घर के पास बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ती है, तू आइयो वहाँ पर आराम से पतंग उड़ाए। क्योंकि मुझे भी पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, और मैंने पतंग उड़ानी भी, अगर नहीं पता तो मैं बताया था, मैंने लॉकडाउन में भी पतंग उड़ानी सीखी थी, तो तब से मुझे बहुत मज़ा आता पतंग उड़ाने में। तब से लेके अभी तक मैं बस वेट कर रहा था कि कब बसंत पंचमी आएगी, इस बार मस्त से पतंग उड़ाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस मृदुल घर, वहाँ जाकर पतंग उड़ाएंगे। इसमें मैंने ले लिए थोड़ी बहुत अपनी डोर है, और थोड़ा बहुत मुझे सामान है मृदुल को जो देना है वो ले लिया। अब चलते हैं फटाफट मृदुल घर। चलो इस बेचारे को देखना कैसे बैठे जैसे वॉचमैन नहीं बैठा था। हाय ब्रदर, मृदुल घर की लोकेशन रिवील कर दूँ क्या, एड्रेस लीक कर दूँ मृदुल का? हेलो ब्रदर, ये कौन है? ये तो वही है जिसने मेरी बुक खा ली थी। काफी बड़ी हुई भैया, तो तुम्हें मेरे भी थोड़े दिन पहले ना इसको मेरी बुक दी थी, इसने इसको खिला दी। शर्म तो नहीं आई? फिल्म देखने दे, इनने मेरे को बोला 10 मिनट पहले जनता के 4 एपिसोड देख लिए इतनी देर में। अरे ट्रैफिक इतना लगा हुआ था, तुम लोगों पे देख लो जाए। हाँ आप पतंग लेके आए कल। स्त्री क्या कर रही है? उसके लिए है, वो ऊपर जाने वापसी नीचे आती है ना। कहाँ गई? चलो सही पर नाच के तो दिखा दे, गाने चल रहे बाहर। चल चलो जैसे नाच के था, चल चल नाच ना जमूरे नाच, तेरे को पैसा मिलेगा। भाई यार ने बाहर रह गई थी कौन? बुक को। तू क्यों नहीं रहा? नहीं बाहर रह गई, वैसे इनने भाई पूरे बचाया उसको। ये बहुत प्यारा है, जब से मैं यहीं बैठा था हिल भी नहीं रहा। चाबी दे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं पहले बाहर पतंगे लेने। चल चाबी दे। अच्छे हो, हमेशा लेके चलाएगा। अरे चल ना भाई रे, हट बैठ लो। हुआ फिर वो रास्ता पता कहां से लेके आ गया? कहां सब पता मुझे बच्चों, पप्पू पतंग चला गया। चल चल ले ले, क्या याद रखेगा बच्चा, काफी कबार तो चलाता है मेरी देख ले ब्रेक में टाइम। अरे गिरेगा क्या भाई, ये बहुत माफिया ड्राइवर है। ये ले तो आया, पता नहीं केड़ा पप्पू पतंग करी जा रहा है, पर इसको पता खुद नहीं पप्पू पतंग वाला कौन सा। ओ मिल गया, रिकॉर्ड आ रहा पप्पू पतंग। इसको भीड़ देख के तो लग रहा है कभी स्नैकिया लग रहा है। तो तो भाई अभी हमने थोड़ी ज्यादा नहीं लिया पतंगे, क्योंकि पहले हम ये उड़ा ले, हम देना चाहते हैं माहौल कैसे इस बार का, फिर पता चलेगा ना, फिर हम बाकी लेके जाएंगे। और भाई ये देखने तो बहुत फेमस लग रही है, इतनी भीड़ है इधर, इधर डोर इधर पतंग लेते हैं और उधर से भरवाते हैं, खटाखट भीड़ बड़ी बड़ी है। और हाँ बट है तो बंदे दो कमा तो दोनों तरफ से रहे ना। तो भाई ये अपने बस आ रहे, ये मेरा एक पुराना गट्टू बड़ा था, मैंने थोड़ा बहुत इस पर ले ली, ये एकदम नवा, ये इसका है। और ये अपने पास थोड़ी बहुत काइट्स है, और ये खाने पीने खा ले फिर खा ले। तो भी रास्ते में तो देखा बहुत पतंगी उड़ रही है वो दिशहरा ग्राउंड के आसपास, अब देखते हैं चैलेंज भी करके आए। हाँ अभी रास्ते में आते कहता हेलो, जैसे वो नहीं कहता जॉन सीना यू कांट सी मी। हियर वी आर। और भाई इधर तो स्पीकर के मुझे तो लग रहा है जरूरत भी आएगी।
मुझे तो लग रहा है इधर स्पीकरों की जरूरत भी होगी, क्योंकि इधर थोड़ी इधर पिछली गली में ना शायद से एक बंदे की बर्थडे पार्टी है, वहां पे गाने चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि स्पीकर वगैरह की जरूरत होगी, है ना। उड़ तो रही है अच्छी खासी, एक उधर भी है, बाकी और भी अभी उड़ रही है धीरे धीरे। स्टार्ट ये चमन हरकतें करते हुए, क्या चमन बांध रहा हूँ एकदम कन्ने डाल रहा हूँ सीधू मूसे वाला जिंदाबाद। चलो आज आसमान में उड़ेगा, हमेशा ही उड़ता वो। चलो कैमरा देख कहाँ जा रहा था तेरा एंगल, अच्छा तेरे मुझे यहीं से दिख गया तेरा एंगल, तेरी शक्ल भी दिखानी है बेटे। उड़ते हुए कन्ने खुल गए, उड़ते कोई कन्ने नहीं खुलेगी जिंदा ना कर, या कोई गांठ गुट खुल गई कोई ना, तू तेरे को ऐसा करके डोर पे चढ़ा लिया तू पता एक बस पास आइए। गाइस कितना हंसता है ये, इसका नाम ही हकची रख देते हैं। ओए ये देख लो, ये हमारी मैम बच्चे डराती रही, देख लो ज्यादा बड़ी हो गई है, देखो देखो बदमाश। तो भाई मुझे ना जस्ट अभी पता चला इसको पतंग नहीं उड़ाने आती। क्यों नहीं आती? हाँ सवाद उड़ा आती है, सबको पता है। और वो देखो एक अपने बंदे नशेड़ी भी है, कत्ल हो जाएगा तेरा। तेरे को कह रहा हूँ तेरे तू नशेड़ी है, ये लो जा उड़ा तू, मैं खड़ा मैंने उड़ा के दे दी बच्चे को, चल बच्चा उड़ाई जा, गई गई गई। हाँ खींच खींच बेटा, हमको भी इतनी। अबे सवाद तेरे, हट जा चाटे मार के सारी बो निकाल दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? शर्म नहीं आती किसी के भी घर में घुसते हुए ऐसे? मेरी ताई का घर है, फोन करके पूछा चाहे दिखा दूं। भाई मैं तो नीचे सीढ़ी से है, तू यहां से कहां से आ रहा है? दूंगा चाटे तेरे। वो उठा दे भाई, किसी के घर में घुस रहे देख लो जिसका बच गई मेरी ताई। तेरी ताई क्या, तो क्या खरीद लिया क्या? अब भी देख लेते हैं उड़ती है नहीं उड़ती। भाई पहले वाली पतंग भी इसकी वजह से कटी थी, पता क्या कर गया चालू, पता नहीं क्यों फंसा आगे चला गया और नीचे भाग गया। आई बो, हाँ जा जा तेरे ब्लॉग सारा कुछ आएगा। एक गाइस एक कटवा गया अभी खुशी नहीं हुआ, दूसरी कटवाना चाहता दमन भाई। मैंने काटी है हाँ, वो इन्हें पार्ट नहीं लिया जो मैंने काटी। हाँ जब पेचे लग रहे थे डोर के नीचे रख देगा, मैं खुद ले लूंगा ढील, तू वीडियो बना कर बस। जे तो कट गई ना, अभी मैं नीचे छोड़ के गया तब भी नहीं बात बोली। उड़ा भाई कह रहे थे भाई मैं उस्ताद हूँ, उड़ा तो ना सीधी कर दे, इतना घंटा लगा कि सीधी करी फिर तो नहीं होने लगी। अब डील तो दे दे, डील ही डील है भाई, खींचनी पड़ेगी, ले खींच ले डील ले ले। उड़ा उस्ताद जी क्या हो गया? डोर का हाल देख लो, हमारी ना डाले ये देखो, ये लपेटने में लग रहे हैं भाई जी। और किसने हमारी डोर पकड़ लिया, उसकी तो अच्छी वाली कट गई थी, हमारी किसने पकड़ ली, बहुत बुरा हुआ यार। तोड़ दो यार, अरे हाथ से देख लो सारा कलर छूट गया, हाथ से जाएगी ना बेटा। देख लो ये जादू, एक छोटा सा ब्रेक लेने आए इनकी, थक गए बेटा मुड़ा के, पूरे हाथ भी ब्लू ब्लू सो गए इन्हें, मेरी गर्दन पे कोको रब भी सारे पंजे लग गए, मजा आ गया मुंह तो मजा। गाइस हमने आखिर ये पतंग भी कटवा दी, मैंने कटवाई है, आपको पता है कितनी लंबी उड़ाई थी, कितनी लंबी उड़ाई थी, मैं दिख तक नहीं रही थी, और वो तो एक बच्चे ने पकड़ लिया, जब ना पकड़ी होती ना फिर बताते हम फिर क्या बुरा हाल करता ना मैं बता। रिस्क पार्ट टू भाई, इसके पैर लग नहीं रहे और ये कह रहा है बैच लगा, तो अगर इस पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, पीछे जूली जूली कर रही है, जूली जूली प्लीज दो मिनट मत बोल यार, जूली मेरा ब्लॉग पे जूली जूली लग जाएगी,
ए जुली जुली चुप चुप जुली चुप जुली चल जुली गेट बंद कर गया जुली वी आर बैक सो वी आर बैक ऑफ द रेड ब्रेक के बाद ओ कांगी कांगी अब पूरी डील दे दे इसको पूरी पूरी खोल दे ब्रेक के बाद सॉरी छोड़ के वो गई वो जा रही नहीं पता वो टूट गई कहां गई कहां है तो सही गई तो ये जी भाई हमारी लास्ट पतंग जो कि हमने उतार लिया आज लगभग 3-4 पतंगे काट दी क्योंकि हमने ज्यादा उड़ाई भी नहीं थोड़ी बहुत उड़ाई फिर हम ऐसे ब्रेक ले ली क्योंकि थक गए अभी थक गए अभी बस चलते हैं घर ये देखो क्या चल रही है बच्चा खोल रहा हूं बच्चा को अभी ये सब कुछ पैक पुक करते हैं जो भी सारा समेटा पूरा खलारा पाया हमने पैक करते हैं और जल्दी जल्दी बस घर निकलते हैं थक गए समेट के जाओ तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 7:30 हाँ मैंने वहाँ पे शूट करा तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि जब मैं घर आया मुझे पता चला मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है थोड़ा बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है क्योंकि मम्मी को तो मैं डॉक्टर के पास ले गया डॉक्टर ने बताया कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है उन्हें उठने का मन नहीं कर रहा तो डॉक्टर ने थोड़ा बहुत इंजेक्शन वगैरह लगाए और मेडिसिन दी और अभी मम्मी बस साथ कमरे में रेस्ट कर रहे हैं दैट्स वाई मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मम्मी हॉस्पिटल में ऐसे है और मैं या फिर मैं ऐसे शूट कर फिर कुछ भी है आई होप यू अंडरस्टैंड तो बस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना अगर बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब करना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय